हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। नवरात्रि के व्रत शुरू होने जा रहे हैं और अक्सर नवरात्रि के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पूरे 9 के 9 व्रत रखते हैं, लेकिन जो 9 के 9 व्रत रखते हैं उनको बड़ी समस्या रहती है कि हम क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो पहले तो क्या होता था कि सिर्फ 2 चीजें होती थी, एक आलू बना लिए या ज्यादा से ज्यादा चिप्स ले लिए या घर के अंदर पूरी बना ली। तो इन 2 या 3 चीजों से हम अपना पूरे 9 के 9 व्रत निकाल देते थे। लेकिन आज का जो दौर है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बनती हैं, जो व्रत के चावल होते हैं या व्रत का आटा होता है उनके साथ बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही आइडिया देने जा रही हूँ जो आप व्रत के अंदर बना सकते हैं और खा सकते हैं। जो मैं आइडिया आपको देने जा रही हूँ तो वो करीब करीब वीडियो आपको सारी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप सर्च करेंगे तो। क्योंकि अक्सर नवरात्रों में मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो पूरी वीडियोज है नवरात्रों से रिलेटेड हो। कुछ वीडियोज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे, आप डिस्क्रिप्शन में से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वो बात की बात है, पहले तो आपके दिमाग में ये आना जरूरी है कि हम बनाएं क्या और खाएं क्या, क्योंकि एक चीज खा के तो भाई हम बोर हो जाते हैं। तो आज वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ स्नैक्स, और मेरी जो मैं बताने जा रही हूँ वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको रेसिपीज बनाने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। मतलब ऐसी कोई भी रेसिपी नहीं बताऊंगी जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि व्रत रख के इतनी मेहनत भी नहीं होती। तो बहुत ही इजिली आपसे बन जाएंगी। जो घर में सामान पड़ा होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट, उसी से ही ये सामान आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ स्नैक्स के बारे में। स्नैक्स के अंदर जैसे आलू फिंगर्स हैं, आलू बॉल्स हैं, यानी पोटैटो बॉल्स, पोटैटो फिंगर्स, बहुत ही इजीली 2 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं आलू के साथ। और स्पेशली इसको आप कच्चे आलू के साथ भी कर सकते हैं, बॉइल्ड के साथ भी कर सकते हैं। आलू की टिक्की है, आप सौंफ का आटा लो, आटा लेके उस टिक्की को बना सकते हैं, जैसे कि हम मैदा या कॉर्न स्टार्च वगैरह डालते हैं। लेकिन व्रत के अंदर आप व्रत का आटा, जो सौंफ का आटा होता है, वो आटा डाल के आलू की टिक्की बना सकते हैं। ऐसे ही आप इसे सैंडविच तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप साबूदाने से बहुत सी चीजें बना सकते हैं, जैसे साबूदाने से आप अप्पे बना सकते हैं। अब अगर आप घी नहीं पसंद करते तो आप अप्पे बना सकते हैं। साबूदाना का आप परांठा बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी परांठा बनता है। और इडली बना सकते हैं, इसी चावल से इडली खा सकते हैं आप बना के। डोसा बना सकते हैं, डोसा आप आलू का मसाला बना के भी बना सकते हैं, जैसे डोसा बनता है। अगर आप प्लेन डोसा खाना चाहते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप इस चावलों को पीस के, यानी सौंफ के चावल को पीस के और आटा मिक्स करके इसका डोसा भी तैयार कर सकते हैं, यानी प्लेन डोसा भी खा सकते हैं बना के। सिर्फ 2 या 4 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दही भल्ले, आप खा सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि दही भल्ले, हाँ दही भल्ले भी बहुत टेस्टी लगते हैं आपको, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी दही भल्ले की भी। घर के अंदर आप नमकीन लच्छा आलू बना सकते हैं, जैसे नमकीन हम बनाते हैं ना, बाजार से नमकीन लेते हैं, साबूदाना नमकीन लेते हैं, आलू की नमकीन लेते हैं। तो आप घर में लच्छा आलू की नमकीन बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट नमकीन बना सकते हैं। इसके बाद आता है साबूदाना वड़ा बना सकते हैं, साबूदाना टिक्की बना सकते हैं, चावल से आप मेदू वड़ा बना सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट चाट बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जैसे हम सौंफ के चावल बनाते हैं कि हम जी इतने एफर्ट्स नहीं करते, हम तो स्नैक्स नहीं खाते, हमने तो सिंपल चावल खाने हैं, तो चावल किसके साथ खाओगे भाई, चावल बनाने हैं तो साथ में कड़ी भी बना सकते हैं। तो आप हैरान होगे कि कड़ी भी बनती है। जैसे हम बेसन से कड़ी बनाते हैं, वैसे ही हम सौंफ के आटे से कड़ी बनाएंगे, बिल्कुल वैसी ही कड़ी बनती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो इसके बाद सौंफ के आटे से हम पूरी बना सकते हैं, परांठा बना सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं। अब आ गया पनीर। आप पनीर से घर में पनीर बना के, मैं बाजार का पनीर नहीं आपको प्रेफर करूंगी, क्योंकि बाजार में पनीर में कई बार मैदा कॉर्नस्टार्च वगैरह मिक्स होता है। आप घर में ताजा पनीर बनाएं, दूध फाड़ के आपको पनीर की वीडियो भी मिल जाएगी पनीर कैसे बनाया जाता है। आप घर में शाही पनीर बना सकते हैं, उसके बाद आप चिल्ली पनीर बना सकते हैं अगर स्पाइसी खाने का मन है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इतनी डिशेज बता दी हैं कि आप बनाते बनाते भी थक जाओगे। आप 9 नवरात्रों में बड़ा सफिशियंट है इतनी डिशेज। अगर आप एक एक डिश भी ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अब आता है मीठा। मीठे के अंदर भी मैं बताना चाहूंगी, आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाना की खीर बना सकते हैं, सौंफ के चावल की खीर बना सकते हैं। इसके बाद नारियल के लड्डू बना सकते हैं, नारियल की बर्फी बना सकते हैं, मखाना लड्डू बना सकते हैं। तो मीठे में भी कुछ चीजें ऐसी होगी, जो लड्डू और बर्फी तो एक ऐसी चीज है जो आप बना के रख सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप निकालें और खा लें। तो ये है मेरी आज की वीडियो। आप सोचेंगे कि इस वीडियो से आपको क्या मिला, तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला कि हमने क्या खाना है। आप
ने जब कुछ खाना तो आप वीडियो देखें कि हमने क्या खाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ इसके अंदर से पसंद है उस चीज़ को मेरे चैनल पे सर्च करें और आप उस चीज़ को बना लें और खा लें, आपके नवरात्रि व्रत बहुत ही अच्छे निकलेंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाई इस नवरात्रि व्रत की मैं देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपके बहुत ही काम आएगी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।